घमंडतों को बाप विधायक रेडो है मंत्री रेडो है पीसा को घमंड हूं या आगो होगो सा आख्या में आगो पानी मैं कौन ले आवे मैं ले आऊं तो बड़ा दिन आगो चंदेलियो भी जाते रहे और पहले सुंदर लाल जी भी जाते रहे चंदेलियो आए हो मार काम कौन करियो जी ठीक है वो ना आए तो नहीं वोट भी कौन देता क्लास है मन कौन मेरे कट जागो क्या मन के बिरो बीजेपी निकल जाएगी कम क्यों है हां नहीं यार के कर रहे हो कम क्यों है कितना है बराबर का हंसा है ये पानी पिया के जाऊंगा श्री राम जी सुक्का मार के गए ये पानी पिया के जाऊंगा नहीं ये देख रहा है एक बकरी ने काम करे एक भेड़ करा लगड़ी हो जाए रोड थोड़ी छोड़ देगा नरेंद्र भी किंग करायो कौन करायो भाई वो गम में किमी को न्यू कौन करके देखे कौन नरेंद्र है कौन है मैं तो आनी की थोड़ी को मैं तो मेरी सब विधायक तो एक ही बने को ये तीन ही कुर्सी कर लो भाई गए एक पर्ची गिर लेंगे आपकी तीनवा को बराबर लग गया नहीं मजबूत कौन सो है मजबूत को के मेरा पट्टा बंद पड़े है सब काम नहीं करेगा तो जाएगा नमस्कार मेरा नाम है अभिषेक जाखड़ और आप देख रहे हैं आरजे टीवी 24। प्रदेश में चुनाव हैं और इस लोकतंत्र के त्यौहार को देश और प्रदेश की जनता भी धूमधाम से मना रही है। सोचा कि जान लेते हैं गांव धरातल के लोग इस चुनाव के बारे में क्या सोचते हैं और यहां पर मौजूदा विधायक ने क्या काम करवाया। पिछले 5 साल कांग्रेस की सरकार रही है, यहाँ पर मौजूदा विधायक कांग्रेस के रहे हैं जेपी चंदेलिया, क्योंकि इस वक्त मैं मौजूद हूँ पिलानी विधानसभा क्षेत्र में। एक गांव पड़ता है रामनाथपुरा, छोटी सी ढाणी है, 40-50 घर की बस्ती है। तो यहाँ पे बड़े बुजुर्ग बैठे थे तो जानते हैं कि यहाँ पे क्या क्या समस्याएं नज़र आती है, क्योंकि अक्सर देखा जाता है बड़े गांव में तो नेताजी पहुँच जाते हैं लेकिन छोटे छोटे गांव गांव ढाणियों में क्या हालात हैं, उनको सबको जानने के लिए पहुँचा था। माइत बैठे हैं, जानते हैं बाबा राम राम। के नाम है अमर सिंह। के लागे अमर जी इब गए चंदेलियों की तो काम करायो मारा तो किम कराए दिखना है मेरे बाबा किमी नाग रहे हो या टंकी तो चंदेलिया करवाई होगी या बढ़िया क्लास की करवाई दी है तो मार तो किम करवाए कर मेरे क्लास के प्रधान कोटा हूं करवाई है कोई नहीं मेरे बाबा क्या हूं तो क्लास तो विधायक बने हो बाप कौन बने हो गए अच्छा बाप बापू की करवाई दी है मतलब तो इब के इलाके है बाबा इब के 23 का चुनाव में की को के माहौल है चंदेलिया तो चुनाव लड़ रहे हो कोना क्लास निर्दलीय है दैयो बीजेपी हूं है पीतराम कालो है ऐसे तो जाको नहीं और उरे तीनवा को स्वागत करा तीनों जित्रे तीनों ने माड़ा गाल दो पांचवा कोई लमकी का दोगा इब गए कोई लमकी का दोगा कोई लम वोट की डालो वोट मैं कांग्रेस में दूंगा भाई कांग्रेस में दोगा क्यों करे करके कांग्रेस ने सदाई देता है तो कालो की कांग्रेस चंदेलियों की ग्रह आज को ना देखो फिर कांग्रेस ने कहा कर दियो के कर दियो हर बार नयो दियो बीजेपी भी नया नया प्रयोग कर रही है कांग्रेस भी नया नया करे तो काम नहीं करेगा तो जाएगा नया आऊंगा अच्छा ताने के इलाके है बाबा कांग्रेस हिंदा भैया तुम भी कांग्रेस ने दोगा क्यों करे देता है काम कर रहे हैं कांग्रेस तो इब का क्या कर रहे हो चंदेलियो चंदेलियो देख रहा है एक बकरी ने काम कर रहे एक भेड़ करा लगड़ी हो जाए रोड थोड़ी छोड़ देगा तो यो तो धन बेरो को 5 साल पाँच छावेगा चुनाव इब का पाँच साल बाद जाएगा के कह रहे हो महाराणी बैंकल गई है रे बात है बकरी वालो यो जरूर है दियो ना न्यू काटा को ना हां काटनी को नहीं एंडमेंट को बोले भाई ते बता दियो इब का की को माहौल है माहौल तो वा कांग्रेस को बीजेपी को बाकी उरा का तो क्लास को पाओगो क्लास को पाओगे क्यों करे क्यों के आग लोग बुया बता जचरे हो गए बापू जचरे हा लोग रिया बता जा स्वागत तो दे सको कर रहे हो स्वागत तो करेगा मैं तो था स्वागत सभी को करूंगा आऊंगा को करेंगे काल और आओगे उनको स्वागत करूंगा काल कौन आओगे मैं कोई भी आवे नेता आओगे अच्छा और रे बच जाएगा आएंगे ताने के लगे एंगल है तीनवा को बराबर लगे नहीं मजबूत कौन सो है मजबूत को के मेरा पट्टा बंद पड़े है सब आएंगे 25 नंबर बीजेपी और कांग्रेस और तो नया नया दांव खेला है सगड़ा इनका नया चेहरे पे अरे बीजेपी है भाई उरे हां पूरे बीजेपी है तो ये क्यों कर कांग्रेस बोल रहा है फिर ना ये तो मजाक कर रहे हैं
मजाक भी कोई करने की बात है। बीजेपी का है, बीजेपी का और बाल्टी, बीजेपी का है, बीजेपी का ये बाल्टी हो गया बताओ। अगर मारा काम मैंने 20 वोट 21 वोट बीजेपी को काट दे तो गुलाम रह जाऊंगा। मैं ये शहर का मैं न्यू का कोई जगह है कि क्लास तो घमंड आएगो को ना को घमंड आए ना। देख मैं हूँ कांग्रेसी आदमी को क्लास का घमंड आए ना। बाप रे टीवी खिलाड़ी ने क्लास जीतो तो बोले प्रधान रहे तो बहुत घमंड। मैं तो कदम आज तक गयो को नहीं, बाकी क्लास जीतो टीट कुन मिली और निर्दलीय तो तन बेरे उठाओ तो आज कर रहे को नहीं। 30 पार्टी भी काट दियो बताओ इब तो पार्टी काट दियो तो काटेंगे आज निर्दलीय चुनाव लड़े एंगल है 20 21 वोट को पाओगे बीजेपी को है अम्म तो बताओ है के की सामान है ना है कितनो सुनो एक मिनट ही में ना सौदा सदा नहीं करना नहीं। वोट पूरा गांव में तो ठीक है कम है बीजेपी का गांव लेकिन बीजेपी निकल जाएगी। कम क्यों है यार के कह रहे हो कम क्यों है कितना है बराबर का है सगा सगा तीनों का बराबर का कांग्रेस और बीजेपी का ये बिगाड़ भी का कैलाश का बराबर है बे के कैलाश को तो उठा भी को नहीं दिल्ली है ना यो कह दे तो मैं को मेरे के तो वो की मान ले के मेरे लिए मेरे लिए मान ले मन तो देखा होगा भी की मान लूंगा मैं तो नहीं मैं आ रहा है उरा तीनों बराबर है तीनों बराबर है एक दो निर्दलीय और भी है बंगो भी है जाना कौन वो आया बच्चा बताओ बताओ जो देख है कौन हम बैठे हो राम राम सा ताने के लग है कुछ मानना तो कुछ कौन लग रही है देखा और दो दिन तीन दिन बाद में पता लगा सही निष्कर्ष तो फिर भी की को कौन से आएगा वो लगाऊ में तो अब तक सही आ तो सही के कर गया है कह की के गया है कहे कि तो कहे गए हैं लेकिन दो तीन दिन पता होगा ना नहर ले दा हूं रे नहर ले दंगा नहर ले श्री राम जी तो लेता लेता चला गया तो ये भी जाएगा ये भी जाएगा ये थोड़ी जीवंता रहेगा ये भी जाएगा तो ये भी पानी पोनी ले आके चला जाएगा। हां ये पानी पिया के जाएगा श्री राम जी सुक्का मार के गए ये पानी पिया के जाएगा। अच्छा तो ये भी का के लगा कौन सा मजबूत है पलटो कहीं कौन सा ये तो दैया बतावे बे के लाश बतावे ये कांग्रेस बता रहे हर आदमी आप आपके छह के अनुसार बता रहे हैं बताई गुंडा तो थे खुल का पत्ता खोल लोगे ना मतलब इबके पत्ता खुल लाए हैं 25 तारीख ने खुल जाएगा। ठीक आदमी कौन सा लगा तीन हमें तीनों ठीक है तीनों ठीक है तो भाई गांव में लोग न्यू कुकर गए बिल क्लास के कमांड आए यो के मामलो में कमांडों को बाप विधायक रेडो है मंत्री रेडो है पीसा को कमांडो या आगो को साहब मारा तो आए को नहीं आज तक चलो कोई बात नहीं ताने के लगा एंगल है चुनाव रो इबका के मुद्दा रहेगा भाई मुद्दा को तो मैंने बेरो आज को नहीं हां कि ये मुद्दा रहेगा वोट किन दोगे तो बाप दादा जीत जुगी कांग्रेस मैं तो कैन बेरो कैन दूंगा के करू। अच्छा जीतता ही कांग्रेस है पिलानी में तो भाई एक बार रतनगढ़ में बोले जीतता को तो बाबड़ो और बोले वोट देंगे राजकुमार ने बा ना हो जाए जा देखो पिलानी हूं तो जीतेगी कांग्रेस हां दूसरे पर रहेगा तारो यो की है बीजेपी वालों। अच्छा और क्लास है बंद कौन बेरो कट जागो क्या मंदे के बिरो तो तीसरे नंबर पे आगो भेज दो हां वोट दे क्लास दे वोट क्लास ना देता बताओ भाई मैं तो कदी मैं कहने दूंगा के करूंगा मैं बता दी बात इसी। अच्छा फर्स्ट और सेकंड कर दिया अंकल ताना के लगा ये पानी पूनी ले आ देगा ये अभी पानी ले आ देगा अंखा अंखा में ले आके देगा जाऊंगा मैं मीठा पानी के कह रहे अंकल अंखा में आओगे पानी मैं कौन ले आवे मैं ले आऊंगा बड़ा दिन आवे चंदेलियो भी जाते रहो पहले सुंदर लाल जी भी जाते रहो दो चार पांच 25 तारीख तक दिखेगा बस सब छिप जाएगा ये श्रवण भी ले आ दियो पानी दो ना श्रवण तो और लड़ता तो ले दे तो ला दे दोगे एक कर पहले तीन बार रहे हो जद किंग कराए हुए चर्चा से श्री राम जी लाम तो चर्चा था ही कोना जब तो श्री राम जी ले रहा होगा तारे कहानी सारो कर रहे हैं तो ये कोई सो कैलाश बताओ है कोई सो दैयो बताओ ये बताऊं तो आने की थोड़ी घूम है मैं तो मेरी तो विधायक तो एक ही बनेगो ये तीन ही कुर्सी कर लो भाई बगे एक पर्ची खेल लेंगे आपकी पितराम काड़ो तो काले खातर भी कई आरोप लगाओ हैं लोग बोले भ्रष्टाचार का उन के पटरा का खड़े तो ही वो है कोई जाना ही को नहीं वो शिक्षा अधिकारी रहे जो बतावे है तो शिक्षा अधिकारी कोई शिक्षा वाला होगा मैं शिक्षा वाला कौन है चंदेली और चंदेली आए हो मार काम कौन करियो जी ठीक है वो ना आए तो नहीं वोट भी कौन देता आएंगे जद किन देता वो बात तो ना जो दू नहीं दिया चंदेली ही बात तो ना किन देता चंदेली आऊं तो देखता है दूसरा कैंडिडेट कौन आऊं तो उनके सामने। अच्छा उन देता चलो ठीक है तो जैसा कि आपने देखा इस वक्त मैं
पिलानी विधानसभा क्षेत्र गांव गांव जा रहा हूं, लोगों की समस्याएं क्या है यहां पर। अधिकतर क्षेत्र में मैं पहले भी आया हूं, एक ही समस्या सबसे बड़ी आती है, पीने के पानी के लोग टैंकर भर भर के मंगवाते हैं। कैसे पानी के कर रहे हो भाई साहब? मैं इन्हें पिलानी में कई गाँव गए, मैं वार्ड हम बता दूँ भाई, पानी तो जाएगा हमारे गाँव में चल जाओ। मैं कई गाँव बता दूँ थाने इन्हें पिलानी का मायने हुआ तो हमारे फतेहपुर क्षेत्र में भी खूब है, हमारे क्षेत्र पीण वालो है, खूब मिठो पानी है हमारा। अच्छा पण यो भी जान ला रहे जदी है बताइए एमएलए री समस्या ही तो है, लदिंगा के मानो है तो लादे तो क्यों करना को नहीं, तारनगर में नहर आएगी तो नहर आ जाएगी, नहर लाओ श्री राम जी चले गए, मंगाओ कोई कन से आओगी तो लादे ही। मैं तो कहले 5 साल में डम लाओ हीर बाप अपनी गई ये भी ये वाला लदिंगा री चुनाव है चलया जागा। नरेंद्र भी किन करायो कोन करायो भाई वो गम में किमी को न्यू कोन करके देखे कौन नरेंद्र है कौन है वो तो सब खराब निकलो। अच्छा शीश राम ओला हूँ संतोष मैडम हूँ सब खराब निकलो वो तो आपके दार उड़ी ले लेर माँ कुन ठोक क्यों तो सीधी सी बात। चलो कोई नहीं, तो जैसा कि आपने देखा ये दिलचस्प होगा कि इस 25 तारीख को यहाँ की जनता जनार्दन किसके पक्ष में मतदान करने वाली है। लेकिन आप जुड़े रहिए RJ TV 24 पर, फिर मिलते किसी गाँव देहात में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।